2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी समेत सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम आवास कुछ किया गया। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोने से बातचीत की हमारी संवाददाता आयुषी चौधरी ने, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। कई सारे मुद्दों को लेकर सीएम आवास कूच कर लिए हैं और उनकी मांगे हैं महिला, उनकी मांगे महिला सुरक्षा को लेकर, पेट्रोल के बढ़ते प्राइस को लेकर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ मौजूद है, पीछे यहाँ पे पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया है। यहाँ पे कांग्रेस प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह यादव, प्रीतम सिंह जी यहाँ पे मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी से। देखिए, जिस तरह से 4.5 साल से प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को लूटने का, खसोटने का काम किया, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसने का काम किया, उसी के विरोध में और जो हालिया घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, आपने देखा जिस तरह से इनके भाजपा के विधायक ने के ऊपर उन्हीं के दल की महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न बलात्कार का आरोप लगाया है। किसानों की जो दुर्दशा है, 20 किसान आत्महत्या कर चुका है। देवस्थानम वोट के चलते पंडा पुरोहित जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं इस मोदी और धामी सरकार ने कि हमें यहाँ बैलगाड़ी में ही सफर करना पड़ेगा। हम 10 पैसा भी बढ़ाते थे तो ये लोग आक्रमण करते थे और आज ये दिनों दिन पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में इजाफा करते चले जा रहे हैं।